गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ बिट ट्रैवल। कल हम खाना पीना करने के बाद हम चश गए थे, अपने दुनिया में खो गए थे, है ना, थक गए थे। तो कुछ नहीं, आज भी हम कोटागिरी में ही हैं। तो अभी बस हम निकल रहे हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे आसपास एक दो पॉइंट्स है वो एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ ऐसे देखने के लिए है नहीं, थोड़े बहुत ही है। एक व्यू पॉइंट है, एक वाटरफॉल्स है, तो बस वही हम इजी रिलैक्स्ड हल्का फुल्का ड्राइव करेंगे, दो पॉइंट देखेंगे, एक बढ़िया सा कैफे देखेंगे, लंच वंच करेंगे, है ना, फिर विल डिसाइड क्या करना है दिन में। क्योंकि यहाँ से अगर आपको साइट सीन करना है तो ऊटी या कुन्नूर की तरफ जाना पड़ेगा, तो वो दोनों ही हमारा हो चुका है। ऊटी तो... कुन्नूर अलग से करो यार, यहाँ आके यहाँ से ऊटी जाने का क्या मतलब। यस, ये एकदम काम, आइसोलेटेड, शांत, सब अमेजिंगली रिलैक्सिंग प्लेस। यस, अगर आप लोगों को सिर्फ रिलैक्स करना हो सो बेस्ट बेस्ट प्लेस। नो सेकंड थॉट्स। अभी चलो निकलते हैं, कोटागिरी एक्सप्लोर करते हैं एंड लेट्स सी। ये आई थिंक हम क्रॉस कर रहे हैं कोटागिरी का मेन टाउन, छोटा सा, एक छोटी सी जगह है। अभी तक सुबह हुई नहीं है, सुबह 11 बज रहे, मैक्सिमम शॉप्स आर क्लोज्ड, मे बी सैटरडे है करके वो भी हो सकता है, है ना। बट हाँ, जरूरत के जो भी सामान वामान चाहिए, एवरीथिंग अवेलेबल, मस्त। तो यहाँ से हम फर्स्ट अभी जा रहे हैं कोडनाट व्यू पॉइंट, तो ये यहाँ का सबसे हाइस्ट पिक है। तो यहाँ से कुछ 18 किलोमीटर है, आधे घंटे के आसपास मैप में बता रही है। तो लेट्स सी, फॉल्स का हमने पूछा होटल में, बट दे सेड के पानी वानी तो है नहीं अभी। हाँ, अभी कुछ खास कंडीशन में है नहीं फॉल्स, तो हम पहले व्यू पॉइंट देखते हैं। और हमने कैथरीन फॉल्स एक्चुअली सोचा था, बट उसमें पानी बिल्कुल नहीं है, तो इन लोगों ने और एक विटी फॉल्स करके कुछ है वो बोला, तो लेट्स सी, वी विल एक्सप्लोर दैट मे बी, है ना। तो कोई ना, पहले व्यू पॉइंट की तरफ चलते हैं, फिर देखते हैं आगे का प्लान, आगे देखेंगे। यस, जी ऑलमोस्ट हम पहुंच गए कोडनाट व्यू पॉइंट, अमेजिंग प्लेस। जितना थोड़ा बहुत हमें इधर उधर से ग्लिम्स दिखी, एंड सामने वो व्यू पॉइंट दिख रही है ना, दूर से ही इतनी सही लग रही है, जब वहां जाएंगे तो फिर देखते हैं ना। यस yes. तो चलो एकदम पहुंचते हैं पॉइंट्स की तरफ, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। हाँ, सो पहुंच गए हम लोग कोडनाट व्यू पॉइंट। तो उसके दो तीन पॉइंट्स है, एक वो ऊपर टोम्ब काइंड ऑफ बना हुआ है, वो एक है, और जैसा है कुछ, हाँ, और एक ये नीचे जाके है सीढ़ी से, तो हम फिलहाल वो वाला चल रहे हैं। भाई साहब, हवा देख रहे हो, भयंकर हवा है, भयंकर ना, बट मस्त है एकदम, जगह सुंदर, जगह है, बहुत सुंदर है। वो जो पीक देख रहे हो ना इधर, यस, ये वाली ना, दिस वन, आह ब्यूटीफुल, अपनी आंखों से पूरा सराउंडिंग एकदम सुंदर है, है ना।
तो बस हम थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पे, आप लोगों को थोड़ा सा और सराउंडिंग दिखाते हैं. चलो कोटानट व्यू पॉइंट से निकल लिया हम. तो अभी हम जा रहे हैं विलाटी व्यू पॉइंट्स, मतलब विलाटी वाटरफॉल. वाटरफॉल्स तो पानी कितना रहेगी वो तो नहीं पता, एक में तो है नहीं. राइट, ठीक है, तो अभी दूसरे में जा रहे हैं. हाँ, ये होम स्टे वाले ने, मतलब अपने रिसोर्ट वाले ने सजेस्ट किया. राइट, कि मे बी हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत पानी हो. तो लेट्स सी कैसा रहता है. यहाँ से कुछ 25 किलोमीटर है, 44 मिनट्स के आसपास, बोल रही है मैप में. कोई ना, चलते हैं. ऑन द वे बैक टू अपना रिसोर्ट ही है तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है. तो चलो पहुंचते हैं वहां पे, फिर दिखाते हैं क्या है. तो भाई तो पहुंच गए हम लोग. क्या नाम है इसका, विलाटी फॉल्स. ये पीछे आप लोगों को दिख रही है वो वाली उधर, और इसका व्यू जो है ये दूर से ही मस्त है. और बाकी अनादर एंगल व्यूज कैसी लगती है वो आप एंजॉय करो. यस, वहां से निकल लिए हम. आप चाहो तो फॉल्स के पास एकदम डाउन तक भी जा सकते हो, बट हमें लगा कि जितना हमें मिला व्यू इट्स अमेजिंग, बट वो काफी स्टिफ है. यस, तो और नीचे क्या है, वो पहुंच गए पॉन्ड जैसा है, लोग नहाना कर रहे हैं, वही देख सकते हो. मे बी बारिश के टाइम पे ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा सुंदर लगती होगी और फुल ग्लोरी में रहती होगी तभी, क्योंकि अभी इतना पानी है तो. एग्जैक्टली, तभी तो और अच्छी पानी होती होगी. तो अभी बज रहे ऑलमोस्ट 2 के आसपास और हमें भी भूख लग गई है, तो एक कैफे हमने ढूंढा है आसपास में, तो वहां पे चल रहे हैं, देखते हैं वहां पे खाना पीना करते हैं, करके फिर एकदम रूम पे वापस चलेंगे. हाँ. और शाम को आप लोगों को मस्त सनसेट का दिखाएंगे टी गार्डन के ऊपर से. है ना? ना, तो चलो अभी कैफे में पहुंचते हैं, फिर वहां पे जाकर मिलते हैं. यस, क्या खाओगे बोलो. क्या सोच रहे हैं क्या खाओगे. ऑप्शंस तो बहुत कुछ है. इसका नाम है हाई ग्रोन, ये एकदम कोटागिरी मार्केट के ऊपर ही है. इसके सामने ही एम्पल पार्किंग है. यस, बिच्छो हमारे मस्त लग गई आराम से, तो नो इश्यू सर. हमारे ऑप्शंस अभी अवेलेबल है, देखते हैं हम क्या ऑर्डर करते हैं. भूख तो जबरदस्त लगी है एकदम. हां, ऐसे दिख रही है. एंड ये आ गया हमारा चिकन लॉलीपॉप, लेट्स सी हम So, सबर का फल मीठा, सबर का फल पिज्जा होता है. ऐसा पिज्जा लग तो टेस्ट नोटी सूट देंगे.
हाँ, तो लंच वंच करके आने के बाद थोड़े से फैल गए थे हम। आराम करना तो बनता ही है ना। यस, घूमो फिर आराम भी करो। तो ये अपने बाहर रिसोर्ट के बाहर एक ट्रेल रोड काइंड ऑफ है, मस्त बढ़िया सा रास्ता बना हुआ है। यस, यहाँ पे टी स्टेट्स की तरफ। तो दिखाते हैं। एकदम गोल्डन आवर्स का टाइम है ना? Yes, हर बेस्ट टाइम। हर तरफ सनसेट होने से पहले Yes. जो टाइम होता है मस्त एकदम जबरदस्त है। Hmm. ये पीछे यहाँ पे सनसेट थोड़ा सा भी टाइम है होने में, है ना? 15-20 मिनट मैक्स सूरज जाएंगे नीचे, देन पूरा कलर चेंज हो जाएगा। मस्त एकदम मस्त। तो भाई साहब दिख रही है पीछे, वाह वाह, व्हाट एन अमेजिंग सनसेट। मतलब ये जो गोल्डन आवर्स की व्यू है ना सनसेट की, यहाँ पे एकदम की हर तरफ ग्रीन ग्रीन है। Yes. और फिर उसके ऊपर जब वो कलर पड़ती है, इट लुक्स अनबिलीवेबली गुड, है ना? कल हमने देखा था, कल कैप्चर नहीं कर पाए हमने, आज तो दिखा नहीं आप लोगों को। तो मस्त आज शॉर्ट एंड स्वीट सिंपल वाली ट्रिप थी कोटागिरी की। छोटी सी जगह है, वैसे बहुत कुछ ज्यादा है ना एक्सप्लोर करने के लिए, है ना? The good thing is बहुत ज्यादा क्राउडेड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ट्रैफिक के इश्यूज नहीं है। Yes. आराम से अपना घूमो फुर्सत में एकदम, है ना? मस्त एकदम। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। हाँ, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दो। यस, और कल हम निकलेंगे बेंगलुरु के लिए वापस, बट ऑन द वे थोड़ी बहुत और साइट सीन करेंगे, करते हुए जाएंगे। हाँ, तो चलो मिलते हैं कल के ब्लॉग में।